What's up guys, welcome back to the channel and भाई हमारे यहाँ आज नवमी की पूजा है। सुबह सुबह फोटोशूट चल रहा है। मम्मी ने सोचा आज शुभ दिन पे मैं भी इनकी रोजी रोटी बंद करूँ और अपना शुरू करूँ, तो मम्मी अपनी रीले बनवा क्या हो जाएगा मेरे पेट पे लात में। एक तो वैसे ही लगा हुआ था, पापा तो वैसे ही पीछे पड़े हुए हैं चैनल के, अब मम्मी भी आ गई है। कॉम्पिटिशन घर में इतना कर दिया। भाई तुझे तो नहीं चाहिए मेरा चैनल बदन। अगर आप नए हुए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करो गाइज, एक लाइक बनता है। अगर इस पे ज्यादा लाइक्स आए तो मम्मी को दे देंगे चैनल, और कमेंट्स तीनों में जिसके ज्यादा नाम आए चलो 10 रुपए मिल गए। मम्मी ने सारी रीले बनवाई है, फ्रूटी और इसकी 84 कैंटियां वाली माता तेरी सदा जय। बोलो जय, बोल जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी। और मैंने डाइट भी शुरू करनी है, बड़ा आज भगवान का प्रसाद है तो आज मैं डाइट सीरियसली शुरू करनी है। गाइस मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर रहा हूँ, तो शाम को मैं 5 बजे के बाद कुछ नहीं खाया करूंगा और अगले दिन 10 बजे खाया। 17 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाला, मतलब भूखा रहने वाला। खा दे बड़ी शक्ल अभी चश्मिश है ना भाई, पता नहीं ये छुपा दे क्यों। मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ। एक और गुड न्यूज देनी है, हम अपने नए घर पे भी जा रहे हैं थोड़ी सी पूजा करने। आई नो पूरी पूजा करने, आप लोगों को भी नहीं दिखाया है बट देन वेरी सून दिखा देंगे। प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा दूर है बट अपना, ये तुम्हारा नहीं है हमारा है, ये किराए का भाई। मैं 20,000 रुपए लेते हैं महीने। आज हमारी सोसाइटी वाले अच्छा मैच खेल रहे हैं, फाइनली 9 ओवर में 120 रन बने अभी तक, मतलब सबसे फास्टेस्ट रन हमने बनाए होंगे। मैं भी प्रिया से लड़ रहा था, मेरी जिंदगी के सारे मतलब चेंज हो गए भाई, इसमें पता नहीं कौन सी जान आ गई। मैं भी ऐसे करने की कोशिश करो, मुड़ी नहीं, चल कर। मैं क्या करूं? टाइट कर। कसम से बता रहा हूं मैं मजाक, ये योगा का कमाल है। 1 2 3 का माने भाई, मैं चेक कर रहा हूं जेन्युइनली, मेरी जान खत्म। तो टाइट रखो। अरे आप सीधा रखो, सीधा रखो। बड़ी जान हो गई यार, मजाक से हटके मेरे से सच्ची से नहीं। ये तो ट्राई करो, जेन्युइनली बता रहा हूँ। करो तो हाथ तो लगा, ये पिलपिले हैं। और अभी तो 2 दिन से योगा नहीं। मम्मी कह रही है सब में मैं पिट गई। और क्या टेस्टिंग में। तभी हमने व्लॉग लाइव कराया, एक बड़े समझदार इंसान ने लिखा भैया नया लेंस अब तब लेना जब आप व्लॉग रेगुलर करो। तो हम पुराने लेंस से शूट कर रहे हैं भाई, 2.5 लाख रुपए बच जाएंगे बिकॉज बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लेंस है। एक चीज जो हमने मोटा खर्चा करा है भाई, उसको आज हम फाइनली लेने जा रहे हैं। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रखी है। एंड ये कुछ नया सामान भी आ चुका है, आधा सामान डिलीवर हो चुका है, आधा सामान कहीं और डिलीवर्ड है। तो भाई इकट्ठे करके जो आउटपुट निकलेगा ना, ओए होए हो, प्यार हो जाएगा आप लोगों को फिर से। क्या कह रहे हो, एक्सयूवी वापस आ चुकी है? हाँ भाई ऐसे ही कुछ हुआ है। जो लोग एक्सयूवी फैंस हैं उनको समझ आ जाएगी कि हमारी वाली एक्सयूवी नहीं है, बिकॉज हमारी वाली में यहाँ पे कंसोल होता था एंड ये हमारे अज्जू भाई की 0008 है। तो भाई हमारी फॉर्च्यूनर लेके गए थे और हमें बदले में एक्सयूवी दिए गए। मैंने कहा ये अच्छा किया, जब मेरे पास एक्सयूवी होती थी ना मुझे फॉर्च्यूनर कोई नहीं देता था एक्सचेंज। अब भाई से हमने एक्सचेंज कर लिया तो हम एक्सयूवी चला रहे हैं भाई, मजा आ रहा है। मैनुअल गाड़ी 14-15 की एवरेज, गियर सिस्टम थोड़ा सा लैग है बट भाई ओवरऑल गुड था। महिंद्रा के शोरूम के बाहर क्यों आया भाई, थोड़ा सा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। बड़ी जल्द महिंद्रा इतने दिनों बाद आया क्योंकि हमारी गाड़ी की ना नंबर प्लेट आ गई है। कौन सी नंबर प्लेट आई है ये आपको थोड़ा से आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। नया नंबर आ चुका है BMW का, गेस कर सकते हैं। साथ के साथ एक भाई फाइनली हम स्टीवन शाइट पहुंच चुके हैं, इतने दिनों से इंतजार कर रहा था जिस चीज के लिए वो हमारे सामने है। ये चेक करो भाई, बड़े दिन से वेट कर रहा था, जो हमने इसमें चीजें सोची हुई है। और अभी जो शुरू कर रहे हैं ना, छोटी छोटी शुरुआत होनी है बट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा तगड़ा होना है। एंड जितना आप लोग मिस करते उससे कई ज्यादा मैं मिस कर रहा था भाई। मैं पंजाब से वापस आया था ना, एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल होता है। बाहर गाड़ी रेडी हो रही है डिलीवरी के लिए, हम आपको दिखा देते हैं हमारा सामान कुछ आया हो। इसमें हमारे सीक्रेट पैकेज है, ये मैट्स है, देन हमने बहुत ही ज्यादा प्यारी चीजें। तो अगले व्लॉग में आपको डिटेल में देखने को मिलेगा हम क्या क्या लगवा रहे हैं। एंड ये तो अभी शुरुआत है भाई, बहुत सारी चीजें लगने वाली है। एंड इसके बाद एक हमने सुपर सरप्राइज मंगाया जो मोस्टली हम संडे को लगवा लेंगे, एंड उसके बाद तो गाड़ी भाई 360 डिग्री चेंज होने वाली है। एंड बिना ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हम अपनी अनवील करते हैं 2024। Welcome our 2024 BMW X5 Second Edition.
तो भाई ऐसी कुछ लग रही है हमारी BMW, काफी लोगों की डिमांड थी सबसे पहले कि भैया ये ग्रिल का कलर चेंज कराओ, तो हमने इसको ब्लैक करवा लिया, बिकॉज BMW ना सारी गाड़ियों में सब में ब्लैक ग्रिल देता है, इस ग्रे में लाइटिश सा सिल्वर टाइप आता था जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, एंड अब भाई इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है। एंड मेन इस पे जो काम हुआ है वो हुआ है PPF का, PPF बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, एंड उसके बिना ना गाड़ी कहीं ले जाना खतरों से खाली नहीं है, बिकॉज छोटे छोटे स्क्रैचेस, बड़े स्क्रैचेस, लोगों की गाड़ियों से घसीट लग सकती है, पत्थर लग सकता है, एंड वो छोटी छोटी चीजें आपको नहीं दिखती बट ओवर टाइम जब ज्यादा होती है तब दिखने लग जाती है, तो शुरू से आपको ध्यान रखना जरूरी है। एंड कभी भी आप PPF करवाओ अपने ट्रस्टेड पार्टनर से करवाओ, एंड हमारे इस केस में ट्रस्टेड पार्टनर है स्टीम एंड शाइन। भाई आपको पता है 2020 से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, एंड इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा, तो हम कोई और जगह नहीं जा सकते थे। एंड स्टीम एंड शाइन पे गाड़ी से रिलेटेड सारी चीजें होती है, रैप्स होते हैं, PPF होता है, सेरेमिक कोटिंग होती है, सारी गाड़ियों पे हो सकती है, मतलब छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आप गाड़ी ला सकते हो, एंड सारी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड भाई ये सेल्फ हीलिंग है, तो अगर इस पे छोटे मोटे स्क्रैचेस भी आएंगे तो कल को अगर ये धूप में जाएगी अच्छा सा हील हो जाएगा। अब एक गाड़ी पे हमारी PPF हो गया है और फॉर्च्यूनर पे हमारे रैप हो चुका है, दोनों का कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा डेडली लग रहा है ना भाई, गोल्स हो गए हम। तो भाई ऐसी कुछ BMW की ओरिजिनल मैट्स आई है, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, मतलब 12,000 तक की आती है, बट देन ओवरऑल बहुत ही ज्यादा अच्छी फिनिश है इसकी, एंड मर्सिडीज से ज्यादा अच्छी है बिकॉज मर्सिडीज की थोड़ी हल्की। एंड अब काफी डिमांड थी भैया BMW के रोलिंग शॉट्स लो, तो भाई नई ग्रिल के साथ नए नए बढ़िया शॉट्स लेने वाले, एंड फाइनल लुक आएगी बड़े दिनों बाद फर्स्ट टच। ओए होए होए क्रिस्टल अमीरी साइलेंट किलर, आवाज नहीं करेगी जब भगाएंगे, कुछ आ रहा है और आवाज के लिए भी कुछ आ रहा है। आई होप आपको ड्राइविंग शॉट्स पसंद आए होंगे, एंड एक चीज आई नो मिस कर रहे हो, स्पोर्ट्स प्लस गेयरिंग करा स्पोर्ट्स। ओ भाई नेक्स्ट लेवल क्या कटती है भाई। भाई लवी का साइकिल भी आ चुकी है, इसको पता ही नहीं चलेगा हमारी गाड़ी पे हमने क्या करवाया। अबे उड़ जाएगी, बैठ जा। अभी अभी बाइक वाले से उठती। तूने नोटिस करा मेरी गाड़ी में कुछ नया? कुछ नहीं पता चलता यार। गर्ल्स रैप तो नहीं है, हेडलाइट्स। आ जा हेडलाइट्स तेरे सर पे फोड़ूंगा एक हेडलाइट। कुछ नहीं कराया भाई, मैं पागल हूँ, मैंने अगर कुछ कराया हो। आगे ग्रिल का कलर देखा तूने? ग्रिल नहीं नोटिस की मैंने, सॉरी। BMW की ना सिग्नेचर है किडनी ग्रिल, बोल के थक गए। किडनी ग्रिल, सच्ची किडनी ग्रिल। चलो इनको बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस। और गैस बिग काम को अपना वर्कआउट मिस नहीं करेंगे, तो हमने अपने लिए कॉफी ले ली, हमसे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है, एंड साथ के साथ एक और चीज हमें मोटिवेशन देती है, अपनी बहन को डराना। तो हमने इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज करी है, तो हमने स्पोर्ट पे डाल दिया, तो पूरे ना कलर्स भी चेंज हो जाते हैं इंटीरियर के। तू नहीं डरती? अब 1000 BHP वाली गाड़ी लानी पड़ेगी। जब से मैं 63 बैठी हूँ मुझे किसी के साथ डर नहीं लगता, जो जैसा चला मेरे को करे, जैसा कोई नहीं चला। अब 1000 BHP लेके आएंगे। शायद हम अपनी सोसाइटी तो पहुंच गए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पापा का रिएक्शन मिलेगा या मम्मी का। वैसे तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि मम्मी को नहीं पता चलने वाला क्या चेंज है, पापा को पता चल जाएगा, क्योंकि पापा ने मुझे बोला था यार इसमें ना कुछ अजीब सा लग रहा है। मम्मी को वैसे ये भी हो सकता है कि नई गाड़ी लेके आया है, इनको पता ही नहीं चल रहा। हाँ भाई गाड़ी चेंज है। कौन सी है ये? अरे भाई ये BMW। चेंज नहीं लग रही है आपको? पहले चेंज क्या है? पहले से बेटर लग रही है, पहली वाली सुंदर थी। मानती हो ना, पहली बीवी सुंदर होती, मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है। क्या चेंज हुआ है? कलर कलर पहले ग्रे था, ये दूसरा हो गया है। दिस इज दैट 10 दिन में गाड़ी भी भूल गया, गाड़ी का कलर ही चेंज हो गया इनके हिसाब से। आपको सच्ची में कलर चेंज लग रहा है गाड़ी का? यही था कलर, क्या बात है। मुझे चेंज लग रहा है, मैं कहता हूँ मम्मी पहचान नहीं पाएगी। आपको लग रहा है गाड़ी का कलर चेंज हो गया? सिर्फ ग्रिल का कलर चेंज हुआ है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तू गाड़ी दिखाता तो है, गाड़ी ला के गए। मैंने भी 10 दिन नहीं चलाई। एक इम्पोर्टेंट चीज बताना भूल गया, हमने अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया है। 30 डे में हम 30 किलो कम करके दिखाएंगे, आपको मोटिवेट करेगी कैसे आप भी सिक्स पैक ला। ये देखो गाड़ी के पास जाते हैं। ओए होए यार ये ब्लैक ग्रिल इतनी ज्यादा सेक्सी लग रही है यार।
सात महीने बाद वर्कआउट कर रहा हूँ, करें अभी हम ट्राई कर रहे हैं, वैसे तो मना करा गया ट्राई नहीं करना, 15-40-80-100 ये तो वार्म अप वेट होता था एक टाइम पे। ठीक है भाई, मैं भी कर नहीं सकता, रिस्की है, बट देन नवरात्रे खत्म हो चुके हैं, पार्टियां शुरू हो गई है। ये क्या ले गया, मेरे लिए गिफ्ट ले गया है, तो दिखाइयो। इसमें से अभी जीनी निकली, भाई भाई का प्रमोशन हो चुका है, टचवुड भाई बहुत जल्द हमें छोड़ के दुबई चले जाएंगे परमानेंटली। अभी यूरोप साउथ अफ्रीका जाते हैं, अब दुबई जाएंगे। देखो कर्ण साहब आ चुके हैं, ये कह रहे हैं मुझे भी ले जाओ पार्टी में, सारे ब्लैक बन के जा रहे हैं, सज धज के जा रहे हैं चारों ऐसे। ये कहां लेके जाएगा, डैडी खोलना मत, डैडी क्या हो गया इससे, डिटेल में जाए। फिर से बिना डैडी के निकल गए, एक दिन उनको लेके चलेंगे पार्टी करने, बट इसने मना कर दिया, तो पापा उन्हें लेके जाना। भाई मार दे खींच के। मुझे तो नहीं बोला होगा, मुझे तो नहीं बोला था। चलता रहता है अभी ये दिल्ली ना, अभी बेचारे शाम का टाइम होता है, सब थक जाते हैं। पार्टी जितनी मर्जी करा लो, लास्ट में अपना खाना ही काम आता है। हमने मंगाया है लबाबदार और साथ में बिरयानी, कहीं गए थे हम पार्टी करने, बट मजा नहीं।